गुड आफ्टरनून। हम सभी चलना चाहेंगे हर रोज एक डोज। ये डोज कैसा है? ब्रेन का डोज है, खुराक है। एक साथ बहुत चीज नहीं ली जा सकती है, लेकिन बारी बारी से किए जा सकते हैं। विकास सिंह और रितेश सुजीत, आशा एलआरकराज सुजीत, ऋषिदेव एस के सुमन, राजा नीरज वगैरह जितने भी बच्चे हैं, आज मैं सिर्फ आपको स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कुछ राइटर्स का नाम बताऊंगा, जिससे स्टोरी ऑफ इंग्लिश में नॉवलिस्ट आते हैं, ड्रामाटिस्ट आते हैं, कुछ ऑथर्स भी आएंगे, कुछ पोइट्स भी आएंगे, जो स्टोरी ऑफ इंग्लिश ड्रामा, स्टोरी ऑफ नॉवल या स्टोरी ऑफ पोएट्री के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। इन सब क्वेश्चंस को हल करने के लिए या तो राइटर्स का नाम रटना पड़ता है, या फिर जो नहीं आपको दिक्कत हो उसे छोड़ सकते हैं। मैं विकल्प बताऊंगा और कल के बाद क्या करना है ये भी चीज मैं बताते रहूंगा। ये सारे समस्याओं को दूर करना है। अब दो दिन तीन दिन अब साल में रह गए और नए साल में है, बहुत ची होंगे, इसलिए कल से हम लोग थोड़ा थोड़ा खोलेंगे। क्या खोलेंगे? एटम बम, कि कौन सा पेज में क्या करना है, क्या छाटना है। उतना पढ़ना नहीं है, बहुत कम, धीरे धीरे हम लॉन्ग शॉट वगैरह सब शॉर्ट कर देंगे और साथ ही साथ गेस भी बताते चल जाएंगे कि फलाने चीज को ज़्यादा देखना है ना। गढ़पुरा से भी हैं राजीव कुमार जी, सभी लोग नाम नहीं पुकारेंगे ज़्यादा, बस काम को अब देखना है। हाँ, क्योंकि आज लिस्ट हमें समझाना है, बाद में जब जब हम टेस्ट लेंगे तो रुक रुक करके लेंगे, तब तक हम दो तीन दिन क्लास आपके लाइव तो लेंगे, लेकिन आपको समझना है। और साथ ही कल आप लोग सब रुके रहेंगे और रुक करके देखेंगे कैसे आइटम हमको छांटना है, कैसे क्या करना है, दो दो पेज करके बराबर बताएंगे। आगे आइए, हम लोग देखते हैं मेरे बच्चे, आज हर रोज एक डोज में स्टोरी ऑफ इंग्लिश। इस चार्ट को देखना, एक चार्ट हम दे रहे हैं, क्लास में बच्चे को चार्ट दी जाएगी, है ना। तो एक बगल ए में मान लो वर्क्स होगा नॉवल्स ड्रामाज प्लेज का, है ना, और दूसरे बगल होगा राइटर्स नॉवलिस्ट और किसका, ड्रामाटिस्ट का। एक आध दो ऑथर्स या पोइट्स भी आ सकते हैं, जैसे डेविड कॉपरफील्ड नामक किताब को किसने लिखा, या द टेल ऑफ द टू सिटीज, या हार्ड टाइम्स, या ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इन सब में चार्ल्स डिकेंस ही हैं जिन्होंने लिखा था, लेकिन मेनली इनके इंपॉर्टेंट है डेविड कॉपरफील्ड, जो चार्ल्स डिकेंस के द्वारा उपन्यास लिखी गई थी, ठीक ना। पहले पढ़ाई होती थी इंटरमीडिएट में, दो साल पहले तक, जब तक 150 की इंग्लिश होती थी, लेकिन अब तो 100 की इंग्लिश हिंदी कर दिए गए। हिंदी में भी हम टीचर्स को कहे हैं, आपको बताते चलेंगे, और सुपर क्रैश कोर्स हिंदी के भी 10 क्लास 12 क्लास आपको दिवाएंगे, उसे मिनिमम जितना हो सकता है करवाएंगे। इन अपना विषय तो हम ही स्पेशलिस्ट हो सकते हैं, एक व्यक्ति एक विषय, दूसरा विषय पढ़ा लेगा, पढ़ा देंगे, परंतु डेप्थ जो होनी चाहिए छांटने की प्रक्रिया, उस सारी चीज को अपने अपने विषय का होता है। आगे आइए, आर्म्स एंड मेन, इसमें अक्सर पूछता है जीवी शॉ, कैंडिडा भी जीवी शॉ का, विडर्स हाउस और पिग्मेलियन, या सेंट जॉन, मैन एंड सुपरमैन, ये सारे लिखा जीवी शॉ। दो इंपॉर्टेंट है, आर्म्स एंड मैन एंड कैंडिडा, जीवी शॉ के द्वारा। ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट राइटर है, इसको जब देखेंगे, ड्रामाटिस्ट भी हैं, पोएट भी हैं, शेक्सपियर इनका नाम है, इसने किंग लियर लिखा, ऑथर लिखा, एज यू लाइक इट लिखा, मैकबेथ लिखा, जूलियस सीजर लिखा, मर्चेंट ऑफ वेनिस लिखा, क्योंकि 37 ड्रामा लिखा था, हेमलेट लिखा, 12th नाइट लिखा, और रोमियो एंड जूलियट इन्होंने, है ना, और ये ड्रीम छूट गया है इसमें कुछ सब, ठीक ना, इन्होंने लिखा। ये सारे राइटर, इस सब के राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर। जब देखेंगे मेरे बच्चे, द गाइड, एक गाइड को याद रखना, आर के नारायण ने लिखा, देख रहे हो ना, द रेप ऑफ द लॉक, रेप ऑफ द लॉक, ताला की बलात्कार नहीं, इसको लिखा है ना पोप, याद रखना है। इमा, इमा भी पूछ देता है कभी क्या, प्राइड एंड प्रेजिस, इसको जैन ऑस्टिन ने लिखा, द कैंटरबरी टेल्स, देख रहे हो ना, कैंटरबरी टेल्स, इसको लिखा जियोफ्री चौसर, शॉर्ट में चौसर नाम आएगा, अभी तो ऑब्जेक्टिव में आएगा, आंसर सही दे रहे हैं, टाइम नहीं लगेगी ज़्यादा, उसको पूछेंगे तब जब हम
मॉडल सेट में या फिर टेस्ट सीरीज में देंगे तब। एक बार अब सारे पोएम को हम दो तीन दिन के बाद एक ही क्लिप में कर देंगे और जिसमें स्टार मारा हुआ होगा वो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बाकी जनरल होंगे, लेकिन देखना है सबको एक बार, छोड़ना नहीं है, राइट ना। आगे कंठापुरा द सरपेंट एंड द रोप राजा राव ने लिखा एंड द गोल्डन गेट सुटेबल बॉय विक्रम सेठ ने लिखा, वार एंड पीस को लियो टॉलस्टॉय ने लिखा, ए पैसेज टू इंडिया ईएम फॉस्टर ने लिख रहा। बहुत सारे लोग इसमें गड़बड़ा जाते हैं, इसको पूछ भी चुका है कि पैसेज टू इंडिया किसने लिखा, चाहे राइटर का नाम देगा ईएम फॉस्टर, तो बहुत ज़्यादा याद नहीं रहेंगे राइटर के नाम, तो बाद में हम छोड़वा सकते हैं क्योंकि हमारे पास उपाय है, 100 में से 50 क्वेश्चन ही डालने हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं खपाना है कि यही चीज़ बनाना है, यही चीज़ ऐसे बनाना है, आप देखते रहोगे। द ओल्ड मैन एंड द सी अर्नेस्ट हेमिंग्वे। अब आइए और पार्ट्स एंड प्लोमैन विलियम लैंगलैंड, शॉर्ट में आता लैंगलैंड, ठीक ना। ए बैंड इन द गंगेज या द प्रिंसेस मनोहर मालगांवकर, इनको आप पढ़े थे पिंच ऑफ स्नफ में भी। आगे अनटचेबल या कूली या टू लिव्स एंड ए बर्ड मुल्क आनंद, इस अनटचेबल या कूली पो देता है मुल्क राज आनंद या एम आर आनंद शॉर्ट में कर देगा, घबराना नहीं है मेरे बच्चे। द वेस्ट लैंड इंपॉर्टेंट है या मर्डर इन द कैथराड या फैमिली रियूनियन या फोर क्वार्टर्स या द कॉकटेल पार्टी या कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, इन सब को लिखा टीएस एलियट ने, और भी बहुत सारे लिखे लेकिन वेस्ट लैंड को याद रखिए टीएस एलियट। पैराडाइज लॉस्ट या पैराडाइज रीजेंट, पैराडाइज सब जब मिले जॉन मिल्टन, ये सब ऑब्जेक्टिव में बनाने होते हैं, परंतु दो तीन चार करके ऐसे रहते हैं, चार छोड़ भी दोगे 40 किताब से क्वेश्चन होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक दो ईस्वी वाले या एक दो अनभिज्ञ लगे प्रोजेक्ट के लाइन्स वगैरह दे दे यार दिमाग में नहीं रहे। हम तो कहते हैं 30 ही बनाओ, 61 से लेकर 100 तक 30 ही बनाना, ये सारे परिकल्पना हम कल देंगे, है ना, आपके बताएंगे आपके एपिसोड में क्या होंगे। गीतांजलि एंड चित्रा रविन्द्रनाथ टैगोर, ज्यादा गीतांजलि पूछता रविन्द्रनाथ टैगोर, ईव ऑफ सेंट एग्नेस जॉन किट्स, जॉन किट्स ने तो बहुत सारे लिखा, अब है ना ये लामिया और हाइपेरियन भी इसने ही लिखा, वो अलग से हमने क्वेश्चन में डाल दिया डायरेक्ट भी, कोई कोई लिस्ट में नहीं है तो क्वेश्चंस में डाल दिया, और उसके आप कविता वाले जो पढ़े होंगे उसमें है, ठीक ना, फिर देखते रहिएगा। मिडिल मार्च जॉर्ज एलियट ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा, खुशवंत सिंह है ना। अगला है राजमोहन स्वाय बंकिम चंद्रा ने लिखा तुगलक गिरीश खर्नाड द गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग्स, पूछ भी चुका है अरुंति राय, है ना। लेडीज नॉट फॉर बर्निंग क्रिस्टोफर फ्राई एंड इन मेमोरियन अल्फ्रेड टेनिसन द प्रिलोड विलियम वर्ड्सवर्थ एंड मैक फ्लैकनो, ये पूछ देता है जॉन ड्राइडन एंड लोटस को लिखा तोरू दत्त। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट भी होंगे आप जैसे कि एटम बम में आप बनवाएंगे फिर बनाएंगे एटम बम का हर एक क्वेश्चन फिर डिस्कस कर देंगे, कहीं पर कोई भी टाइपिंग या कहीं पर कंफ्यूजन हो तो सारा यहाँ पर आपको डबलिंग कर देंगे, गेस बताते हुए उसको रिवीजन करवाते हुए सारे वीडियो क्लिप को एक बार पोएम के स्टार मारा हुआ वो इम्पोर्टेंट है सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। आपको चिंता नहीं करना है, बस दो चार दिन में सारे प्रक्रिया का रूटीन मिल जाएगा, हो सकता है कल भी हम रूटीन दे दें, है ना, परसों भी दे दें, और इतना पढ़ने के बाद सेट वन के ऑब्जेक्टिव को हम लोग बनवाते हैं। जैसे द स्कॉलर जिप्सी हैज रिटन बाय, अब इसमें तीन ऑप्शन दिया है, तीनों नहीं है, स्कॉलर जिप्सी मैथ्यू अर्नोल्ड का होगा, ठीक ना। लामिया एंड हाइपेरियन, अब चार चार विकल्प है, लामिया हाइपेरियन को किसने लिखा, जॉन किट्स ने, ठीक ना, इसमें आंसर सही दिए है, सिर्फ समझना है क्योंकि रटना है, कोई फार्मूला है नहीं और आपका परीक्षा ले नहीं रहे हैं, इसलिए एक बार देख लो फिर मारवाएंगे हम दोबारा आंसर हटा करके। आगे अनटचेबल एंड कोहली दो दो बार पूछ चुका है, एम के एम आर आनंद मुल्क राज आनंद, आप देखोगे एम आर आनंद मुल्क राज आनंद। तुगलक अभी तुरंत देखे थे गिरीश खर्नाड आएगा ऑप्शन में, गिरीश खर्नाड या से स्टूप्स टू कंक्वर हैज बीन रिटन बाय, पहला ऑप्शन लो। ऑलिवर गोल्ड स्मिथ जी वी शॉ मिल्टन एंड नन, इसमें ऑलिवर गोल्ड स्मिथ, ठीक ना। ए द रेप ऑफ द लॉ का भी तुरंत लिस्ट में देखा था एलेक्जेंडर पॉप, एलेक्जेंडर पॉप को चुनेंगे कहाँ हैं, यहाँ हैं। मैकबेथ जूलियस सीजर हैमलेट रोमियो एंड जूलियट, इन सब को लिखा है किसने, शेक्सपियर साहब,
शेक्सपियर के बहुत सारे किताबें, 37 ड्रामा लिखा, 160 कविताएं लिखा, लगभग 97 राइटिंग किया और बहुत ही गरीब घर से निकले थे, लेकिन आप जान लो अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट और राइटर्स के रूप में। नौ आगे देखिए, मैकबेथ जूलियस सीजर, ये दोनों ही लिखे गए थे शेक्सपियर ने, इसका पूरा नाम विलियम शेक्सपियर है। सावित्री अरविंदो घोष का है, तो अरविंदो घोष ने लिखा सावित्री, क्वेश्चन भी डायरेक्ट देखते रहोगे तो हो जाएगा। एस वेडनेसडे, इसको लिखा टी एस एलियट ने, ठीक ना। द एपिक पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराग्राफ रिगेन्ड हैव बीन रिटन बाय शी, ए बी तो है नहीं, तो ये दोनों पैराडाइज मिल्टन, जॉन मिल्टन इनका पूरा नाम होगा। पार्ट्स एंड प्लोमैन किसके द्वारा, लैंगलैंड शॉर्ट में है। एंड द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज रिटन बाय, हमने कहा अरुंधति राय, ये भी पूछ दिया है आएगा, अनिता साई खामला दास, थोरुदत्त अरुंधति राय। द गीतांजलि, अभी लिस्ट में देखा था रविन्द्रनाथ टैगोर, चित्रा को ट्रांसलेट किया था रविन्द्रनाथ टैगोर, आप देख लो आंसर ए बी सी आएगा डी, रविन्द्रनाथ टैगोर। द वेस्टलैंड, वेस्टलैंड पे वही लिखा था टी एस एलियट ने, अभी हाल में कहा था अंडरलाइन कर लो माइंड में, तीन चार आपको मिलेगा वेस्टलैंड, इन सब में टी एस एलियट। हु रोट द लोटस, लोटस को किसने लिखा, तोरुदत्त, दांत तोरु ने तोरुदत्त। और सर ई एम फोस्टर, पैसेज टू इंडिया, इस तरह हम संभालेंगे राजमोहन स्वाइप, विक्रम सेठ नहीं, रॉबिन्सन एंड क्रोज, डेफो, इस तरह से आप देखते रहोगे। नेक्स्ट, हु रोट द लोटस, लोटस तोरुदत्त। या अब अगला क्वेश्चन क्या होगा, जो भी होगा होगा, मैकफ्लेकनो, अब मैकफ्लेकनो को किसने लिखा, जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन साहब मैकफ्लेकनो को लिखा था, ऑप्शन को आगे देख सकते हैं, चार हैं, जॉन ड्राइडन। आर्म्स एंड मैन, आर्म्स एंड मैन को किसने लिखा, दो बार आ चुका है, जी वी शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ पूरा नाम है, शॉ, ठीक है। प्राइज एंड प्रेजुडिसेस, इसको लिखा जेन ऑस्टन, कल परसों करवाए थे क्वेश्चन में, मॉडल वन में उसमें भी था जेन ऑस्टन, अंतिम क्वेश्चन 60वां वही था। लीव्स ऑफ ग्रास कलेक्शन किसका है, वाल्ट व्हिटमैन का, ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पढ़ा चुके हैं। आगे आओ मेरे बच्चे, हेमलेट, ये तो विलियम शेक्सपियर, मैकबेथ विलियम शेक्सपियर, किंग लियर विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर का एगो बराबर पूछता है, देखते रहेंगे विलियम शेक्सपियर। 21वां क्वेश्चन आ रहा है, आज कम देर की क्लास है, क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, ये केकी अंदारू वाला जो थे उन्होंने ही लिखा था क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स, सी केकी अंदारू वाला। या हु रोट हकलबेरी फिन, इसको तो मार्क ट्वेन ने लिखा था, ये किस में पूछ चुका भी है 2021 में, राइट ना। हु रोट द कैंटरबरी टेल्स, ये चौसर, जॉर्ज आप मिल्टन ने इसमें दे सकते हैं, जॉफ्री चौसर, जॉफ्री चौसर, देखिए शॉर्ट नेम है यहाँ चौसर। किसने लिखा था वीनस एंड एडोनिस, इसको लिखा था विलियम शेक्सपियर, ये भी उस लिस्ट से बाहर भी है। ए पैसेज टू इंडिया किसने लिखा, ऑप्शन नहीं है, फिर भी आप खोज सकते हैं, ई एम फॉस्ट, राइट ना, आएगा ऑप्शन। या अब चित्रा किसने लिखा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने ट्रांसलेट किया या रिटर्न कर देगा या रोट लिखा, उससे मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर ने करा, ठीक ना, इसको ट्रांसलेट आ गया। कौन नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, ए नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की कोकिला किसे कहा जाता था, ये जानकारी के लिए, सरोजनी नायडू वाज कॉल्ड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, द कक्कू ऑफ इंडिया, भारत कोकिला, भारत की नाइटिंगेल, कक्कू कहा जाता था, कोकिला कहा जाता था, इसलिए इसमें मारोगे सरोजनी नायडू। लेकिन इतने से नहीं हुए, आज तो दम नहीं था, लिस्ट था कम था, परंतु हम लोग पूछेंगे मॉडर्न एटम बम 2022 को आप लोग बढ़िया से देखेंगे, कल लेकर बैठेंगे, 5 मिनट हम बताएंगे कौन सा पेज इम्पोर्टेंट है। जरूरी नहीं कि हमने दे दिया बाजारीकरण है, वहाँ लोग प्रोज भी खोजेगा, पोएट्री भी खोजेगा, स्टडी ऑफ इंग्लिश भी खोजेगा, और नहीं तो कहेगा नहीं मिला, इसलिए हम मिलाने के लिए कह रहे हैं। और कैसे कैसे पढ़ोगे, जो मार्क्स बढ़िया से और कम पढ़ना पड़े, यूट्यूब पर जुड़ल रहना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, बाकी कोई टेंशन नहीं लेना है, इंग्लिश में हूँ ना,
70-80 तो ऐसा ही आ जाएगा, 10-20 नंबर का थोड़ा मेहनत ज़्यादा कीजिए। 60-80 के बीच लाना कोई बड़ी परिश्रम की बात नहीं, वो टेक्निकली आ जाएगी। 10 नंबर मैचिंग से हम ठूस देंगे, है ना, और 50 नंबर ऑब्जेक्टिव इतना ना करवा देंगे जो आपको दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद भी हम कुछ एबिलिटी बताएंगे, जैसे एक्सप्लेनेशन के लिए, है ना, हम आपको बताएंगे लेटर राइटिंग के लिए, हम आपको बताएंगे संक्षेपण के लिए। बहुत सारी विधि हैं जिसे लाया जा सकता है, परंतु आपको बने रहना है, मेहनत करना है। तो आप मॉडर्न मॉडल पेपर के बिना एटम बम बेकार है, एटम बम के बिना मॉडर्न पेपर बेकार है। तो कल के बाद आपको मॉडर्न पेपर भी मिलेगी, मॉडल पेपर। और बहुत जगह देखिए, दरअसल है इस वक्त कोविड में एक तिहाई कम छपाई गई। एक गाड़ी तो आई थी लगभग 30,000 एटम बम, लगभग कुछ जिलों में कुछ पॉइंट में ही लूट लिया गया, कुछ अपने बच्चे को देने के बाद। और एक गाड़ी और आ रही, तीसरी गाड़ी इस बार नहीं आएगी। कारण है जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई इस बार नहीं कर सकते। ओमिक्रॉन का डर सता रहा, कहीं हुआ तो फिर पिछले साल 10 लाख का किताब जाम हो गया था। तो हम लोग को देखना पड़ेगा ना, छोटा आदमी है, अपने वादाओं से उतरते हैं। अब जो पाए ठीक, अन्य तो PDF मिलती रहेगी, दोनों उपाय तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब सब लोग प्रिंटिंग चाहते हैं तो 10 दिन के अंदर तो मिलेगा। हाँ, दुकान में जैसे बेगूसराय में भी चला गया, दर्शनसराय में भी, रोसरा में भी, आपको पटोरी भी बिना उना में, अब नाम कितना का पूछोगे, लेकिन हाँ आप पता लगाओ मेन मेन है तो एक दो में मिलेगा सब जगह। धन्यवाद। आगे आई एक दो जगह पटना और दरभंगा वगैरह 4 दिन के बाद मिलेगी, चूँकि उसको सप्लाई पॉइंट या तो आता है या फिर बाद में उसे पहुँचाया जाता है। तो जहाँ जहाँ से नहीं आ पाता उसको लास्ट में देखा जाता है। इसलिए धैर्य रखिए, या यहाँ आकर समस्तीपुर लीजिए या फिर PDF मंगवा लीजिए घर बैठे, प्रिंट में थोड़े पैसे लगेंगे। हाँ, ये मुलायम पेपर पर है, अब प्रिंट करवाएंगे तो हार्ड पेपर पर होगा। आगे आइए, प्ले स्टोर से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, और सर्च करके सिर्फ देखते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक, आज बहुत कम देर तक रहा क्लास, तो हम लोग की कल के बाद से मजा आएगी। कल हम लिस्ट देंगे और कल के बाद आपको चैप्टर बांध देंगे, किस दिन क्या पढ़ना है उतना पढ़ना है, किस दिन कौन सी गेस बताना है उतना करना है। बबलू जमे रहो, और सभी लोग मेरे आशीर्वाद के साथ और तैयारी के साथ अच्छे नंबर लाने की कोशिश करोगे। कुछ लोग का क्वेश्चन है, दरभंगा में मॉडल पेपर कहाँ मिलेगा? रचना में मिल सकता है, है ना, लेकिन धैर्य रखिए एक दो दिन, चूँकि स्टॉक ख़त्म हो गई है, ठीक ना। और दलसिंहसराय में तो सरस्वती भी ले गए हैं, एक राजेश नामक है जिसको भोला भी कहते हैं, उसके दुकान पर मिलेगा। गुदरी में एक जगह, और एक जगह शायद वो कॉलेज स्टेशन के बगल में सरस्वती। अब उतना हम लोग तो जाता नहीं, हम लोग को बस यहाँ से ले जाता है। समस्तीपुर में 3-4 जगह मिल जाएगी, हरिपुर में नहीं बाबू, गांव-गांव में नहीं मिलेगी, चूँकि है ना, या दूर हो, कुछ तो बनाएगी मुझको, क्या क्या लिखते हो डायलॉग वायलॉग, है ना, उसमें हम नहीं सकेंगे। पटोरी में बिना ले गया है, सोनी पुस्तक भी ले जाएगा, है ना। समस्तीपुर में तो आपको मिलन सबसे बड़ा स्टॉकिस्ट है हमारा, और वो सब बहुत जगह उनसे ले जाता है। हम लोग स्टॉकिस्ट को देता है, स्टॉकिस्ट देता है, इसलिए हम लोग पूरा नाम नहीं बताता, ठीक ना। लेकिन गया खगड़िया में भारती वाले ले गए हैं कुछ, और कुछ उनका माल जाएगा एक दो दिन में। हाँ, रोसरा में भी 2 जगह है, ठीक ना। पूसा में छोटी पॉइंट है, जिला में आ जाता है पूसा, छोटे स्टेशन छूटोगे आ जाओगे, ठीक ना, या कोई ले जाएंगे दुकान वाले तो मिल सकते हैं रहने पर में, ठीक ना। अब बुक का दाम 35 ले रहा है, अब देखिए कहीं कहीं पर 5 रुपया लेते होंगे, दीजिए, है ना। हम तो 30 रुपया बोले हैं बेचने के लिए, उनको कहेंगे 3-4 आप लीजिएगा, 30 भी लेगा, ठीक ना। धन्यवाद। इतना ज़्यादा बातचीत नहीं कीजिए, जहाँ जो उपलब्ध हो रहा है 45 प्रिंट है, 10 रुपया छोड़ के 5 रुपया दुकानदार दूर दूर का आता है, कमा भी रहा है, तो उस पर बैन नहीं लगाएंगे। 30 डिस्ट्रिक्ट में बेचना है, बाहर भी बेचना है। कुछ लोग बेचते हैं 5 रुपया, एक दो लेते होंगे तो 5 लीजिएगा, रिक्वेस्ट कीजिएगा 30 में देगा। ओके, बाय बाय।